नमस्कार दोस्तों। तो आज ये पहला एपिसोड है द आयना का, जिसमें मैं आज जीएसपीसी स्कैम, गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉरपोरेशन स्कैम के बारे में बताना चाहूँगा, जो कभी भी किसी भी मेन स्ट्रीम मीडिया जैसे न्यूज़ चैनलों में नहीं दिखाया गया है। तो द हिंदू के आर्टिकल के मुताबिक 26 जून 2005 को नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में कहा था कि जीएसपीसी ने केजी बेसिन, कृष्ण गोदावरी बेसिन में पूरे इंडिया का सबसे बड़ा गैस रिजर्व डिस्कवर किया है, जो कि 20 ट्रिलियन क्यूबिक फीट है। और यहीं पे इसके प्रोडक्शन का काम दिसंबर 2007 मतलब 2 साल बाद से शुरू किया जाएगा। तो वहीं पे जून 2009 ठीक 4 साल बाद जीएसपीसी ने अपनी फील्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश करी, जिसके अनुसार 90% का रिज़र्व कट किया गया, मतलब सिर्फ 2 ट्रिलियन क्यूबिक फीट ही गैस उसमें पाई गई है। और दूसरा, जहाँ पे उस टाइम पे रेट 4.2 MMBTU डॉलर थी, मिलियन थर्मल ब्रिटिश यूनिट थी, वहीं पे जीएसपीसी को कम से कम 5.7 डॉलर MMBTU में सेल करना पड़ेगा, तभी जाके जीएसपीसी प्रॉफिट में आएगी। उसके बाद उसी बीच उन 4 सालों में 2005 से 2009 तक जीएसपीसी ने 4800 करोड़ का लोन लिया पब्लिक सेक्टर बैंकों से। अब आप सोचिए एक बार, 4 साल में तो सिर्फ रिपोर्ट बनी है, तो फिर पूरा प्रोजेक्ट कितने टाइम में कंप्लीट होएगा? तो वहीं पे जीएसपीसी ने अपना टेक्निकल पार्टनर जियो ग्लोबल रिसोर्सेज को चुना, जो कि सिर्फ 2 लोग ही चलाते थे, और उस टाइम पे उन पूरी कंपनी की असेट सिर्फ $64 थी। बाकी और कंपनी जिनके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस था, उन सबको छोड़ के जीएसपीसी ने अपना टेक्निकल पार्टनर जियो ग्लोबल रिसोर्सेज को चुना। वहीं पे जब प्लेटफॉर्म रिक्स को प्रोक्योर करने की बात आई, तो जीएसपीसी ने टफ ड्रिलिंग को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया, जो कि सिर्फ 2007 में ही बनी थी और उन कंपनी के पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था प्लेटफॉर्म रिक्स को प्रोवाइड करवाने का। तो क्यों जीएसपीसी ने ऐसी 2 कंपनियों को अपना पार्टनर बनाया, जिनके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था उस फील्ड में? और वहीं बहुत कंपनियां ऐसी हैं जिनके पास पूरा एक्सपीरियंस था इस काम को करने के लिए। 2005 से 2015 तक 10 साल में जीएसपीसी ने 13 पब्लिक सेक्टर बैंकों से, जिसमें से एसबीआई, विजया बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक जैसे कुछ बैंक थे, जिनसे 19,700 करोड़ रुपए का लोन लिया इस काम को पूरा करने के लिए। और वहीं पे आज तक एक भी गैस उस केजी बेसिन में से डिस्कवर नहीं की गई है। तो 19,700 करोड़ रुपए का जो खर्चा किया है, उसका जिम्मेदार कौन है? क्योंकि वो सारा खर्चा आम जनता का है, जो कि बैंकों में पैसे जमा करवाते हैं। सीएजी ने 2015 में अपनी रिपोर्ट में कहा था कि जीएसपीसी के ऊपर हर साल जो उन्होंने लोन लिया है, उसका सिर्फ इंटरेस्ट ही 1800 करोड़ रुपए है। वहीं पे जीएसपीसी हर साल सिर्फ 80 करोड़ रुपए ही कमाती है। तो जब ये अपना इंटरेस्ट ही नहीं भर सकती है, तो जो प्रिंसिपल अमाउंट है 19,700 करोड़ का, वो कहाँ से चुकाएगी? आज तक किसी भी न्यूज़ चैनलों ने ये नहीं दिखाया, और कभी भी इसके ऊपर कोर्ट ने कभी कुछ नहीं कहा, और सीबीआई ने आज तक कोई भी जांच नहीं करी है इस मामले के ऊपर। और यहीं पे
इन दिनों ही सरकार ONGC को फोर्स कर रही है कि GSPC को खरीद लिया जाए, जिससे ये सारी जो बात है, जो 19,700 करोड़ का जो लोन है, ये बात दब जाए और आम जनता के पास ना पहुंच पाए। तो 19,700 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी कुछ भी गैस वहां से डिस्कवर नहीं की है, तो इसका जिम्मेदार कौन है? मोदी सरकार है, या फिर GSPC है, या फिर वो बैंक है जिन लोगों ने लोन दिया? तो ये मेरे हिसाब से मिली भगत है सबकी, जिससे सब कमा सकें और अपनी जेब भर सकें और सारा पैसा स्विस बैंक में पहुंचा सकें। तो अब मैं तीन लोगों को नॉमिनेट करता हूं, पहला विनोद दुआ जी, दूसरा ध्रुव राठी और तीसरा कुणाल कामरा को, कि वो ये चीज़ के बारे में पढ़ें और अपनी जनता को बताएं कि ये पूरा स्कैम में किसकी गलती है। क्योंकि हर एक चीज़ जो अपने भारत में हो रही है, उसका असर अपने एक वोट पे पड़ता है, जो कि अब अपने को 2019 में डालना है। तो मैं आप सबसे भी विनती करता हूँ कि इस बारे में पढ़िए और ये पता लगाइए कि इस पूरे स्कैम में कौन कौन शामिल है। और मैंने सारा सोर्स जहाँ से भी ये सब लिया है, वो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप वहाँ जाइए और आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। और अब मैं आपसे फिर मिलूँगा एक नए एपिसोड के साथ। धन्यवाद।